तो मैं अर्ज कर रहा था कि पांच नमाजें फर्जी इसलिए की हैं, इसलिए की हैं कि वो असल में गुनाह पांच ही तरह के होते हैं, और पांच का हिस्सा आपको पता, पांच का हिंसा, इसके अंदर ये खूबी है, ये फना नहीं होता कभी, आप इसको मल्टीप्लाई करें पांच खत्म नहीं होता, पांच को पांच से मल्टीप्लाई करें 25, फाइव उसके अंदर मौजूद रहता है, 25 को 5 से मल्टीप्लाई 125, 5 मौजूद रहता है, आप ट्रिलियनों चला जाए, मिलियनों चले जाए, 5 साथ रहेगा। इसमें इशारा इस बात की तरफ है, नमाज वो वाहिद इबादत है तो जो मरते दम तक कायम रहती है, ये मशरूत इबादत नहीं है। ज़कात अमीरों पे गरीब पे नहीं है, रोज़ा सेहतमंद पे बीमार पे नहीं है, बूढ़े पे नहीं है, हज मालदार पे गरीब पे नहीं है, लेकिन नमाज ऐसी है वो गरीब पर भी है, अमीर पर भी है, सेहतमंद पर भी है, बीमार पर भी है, लेटे वाले पर भी है, इशारे वाले पर भी है, मर्द पर भी है, औरत पर भी है, ये किसी हाल में माफ़ नहीं होती। फाबुद रब कहता या तियकल यकीन, अल्लाह की इबादत करता रहे यहां तक कि तुझे मौत आ जाए, मौत तक का वजीफा है। तो पांच नमाजों का मतलब ये पांच नमाजें अब छूटने वाली नहीं है, अब रहेंगी। वो लिखा ने पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जंगल में मुराकबा करके घर की तरफ वापस आ रहे थे, एक चिल्ला काटा वापस आ रहे हैं, अनवारात तजल्लियात लेके आ रहे हैं, तो रास्ते में एक दरख्त में रोशनी फूटी, आवाज आई, ए अब्दुल कादिर हम तुम्हारे रब हैं, हम तुमसे राजी हैं, तुमने बस बहुत इबादत कर ली है, अब तुझे नमाज माफ है। ये आवाज आई, अब ये सोच में पड़ के हैं, नमाज माफ है? नमाज तो नबियों को माफ नहीं हुई, नबी पाक आखिरी नमाज वो पांव घिसट रहे हैं और सहारे पर आप मुसल्ले पे आए हैं, उनको माफ नहीं हुई, ये नमाज मुझे माफ होगी? दिल में फौरन लगता भाई ये कोई इबलीस शैतान है। अच्छा मेरे तेरे जैसा होगा तो सोच में पड़ जाता, क्या पता अल्लाह को रहम आएगी, आओ यार वैसे पढ़ी तो बहुत है मैंने नमाज़ें, काफ़ी अरसे से लगा हुआ, काफ़ी लंबी लंबी नमाज पढ़, क्या पता भाई अल्लाह मेरे को खास एग्जेम्पशन भी तो होते, तो कोई एग्जेम्पशन हो गया हो, भले वो एग्जेम्पशन नबियों का ना मिला मुझे मिल गया हो, हम ये सोचते ना। वो तो फिर शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे, वो समझ गया कि इबलीस है, फरमाया ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, दफा मर्दूद हो, तो इबलीस है, नबियों को माफ़ नहीं हुई नमाज, मुझे कहाँ से माफ़ होगी? अब जब ये बात कही तो फिर आवाज़ आई, अब इबलीस बोला का अब्दुल कादर तेरे इलम ने आज तुझे बचा लिया, अगर तुझे इलम ना होता इस बात का तो आज मैं तुझे शिकार कर लेता। तभी तो कहते हैं कि एक आलिम एक हज़ार आबदों पर भारी होता है, आबिद अपनी इबादत के जोम में मारा जाता है लेकिन आलिम अपने इलम की वजह से बच जाता है। तो फरमाया कि तो अपने इलम से बच गया है, अब ये असल में दूसरा हमला था, अब अगर कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इलम था पद में तभी बच गया, और हम होते तो ये कहते हैं हाँ शुक्र है मुझे ये मसला पता था जी, मुझे अगर मुझे मसला पता ना होता मैं तो मारा जाता, ये मुझे बचपन अब्बा से सुना था, 100 डींगे मारेगा ना, डींगा मारेगा मुझे नहीं, हजरत फर्फ जालिम मैं अपने इलम से नहीं अपने अल्लाह के फजल से बचा हूँ, मैं क्या पिद्दी और पिद्दी का शोरबा, मेरा इलम क्या है, मेरे अल्लाह का फजल है उसने मुझे बचा लिया है। वरना ये इबलीस तो बड़े बड़े इलम वालों को ले डूबता है,